हैरिस राउफ ने ईशान किशन के साथ बीच मैच कर दी गंदी हरकत, फैंस हुए आग बबूला। ईशान किशन ने ऐसा धोया कि बीच मैच गुस्से से बौखला गया पाक गेंदबाज। अगली टक्कर में भारत सूद समेत लेगा पाकिस्तान की इस गंदी हरकत का बदला। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के मुकाबला भले ही बारिश के कारण पूरा ना हो सका हो, लेकिन जितने देर का एक्शन देखने को मिला वो अपने आप में कई रोमांचक और मजेदार मौके दे गया। बारिश के कारण टीम इंडिया की गेंदबाजी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन भारतीय बैटिंग देखने को जरूर मिली। और इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने बारिश के कारण ठंडे पड़ रहे माहौल में थोड़ी गर्मी भर दी। ये मौका आया जब एक पाकिस्तानी गेंदबाज ने भारतीय खिलाड़ी को उंगली दिखाकर इशारा किया। कैंडी में हुए इस मुकाबले से एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक ही वक्त पर पल्ले के लिए मैदान पर अभ्यास किया। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने आपस में काफी देर गपशप की और हंसी मजाक करते दिखे। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। खास तौर पर विराट कोहली और पाकिस्तानी पेसर हैरिस राउफ का गले मिलने और बातें करने के वीडियो ने खूब वाहवाही बटोरी। हालांकि मैच के दिन माहौल थोड़ा अलग दिखा। पाकिस्तान ने अपनी तेज गेंदबाजी के दम पर तो पहले ही भारत को मुसीबत में डाल दिया, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद उसे भी दबाव का सामना करना पड़ा। ईशान किशन और हार्दिक पांडे की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया। खासतौर पर तूफानी तेज गेंदबाज हैरिस राउफ को खूब रन पड़े, जिस दौरान ईशान ने एक बेहतरीन छक्का भी लगाया। ऐसे में जब 38वें ओवर में हैरिस राउफ ने ईशान किशन को आउट कर शतक पूरा करने से रोका तो वो अपने जज्बातों पर काबू न रख सके और आक्रामकता में सीमा लांघ गए। राउफ ने विकेट झटकते ईशान की ओर गुस्से से देखते हुए हाथ हवा में उठाया और उंगली दिखाकर कई बार पवेलियन लौटने का इशारा किया। साथ ही वो चिल्ला चिल्ला कर जाने को भी कह रहे थे। हालांकि ईशान किशन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब टीम इंडिया को तो अपनी गेंदबाजी के दौरान राउफ या पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज को इस अंदाज में जवाब देने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसने दोनों टीमों के आने वाले मुकाबले के लिए माहौल तैयार कर दिया। संभव है कि 10 सितंबर को फिर से सुपर 4 राउंड में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी और फिर वर्ल्ड कप में तो मुकाबला होना ही। ऐसे में भारतीय टीम और खासतौर पर ईशान किशन राउफ से हिसाब बराबर करना चाहेंगे। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।